हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल कुणाल सोलंकी व्लॉग्स। तो भाई सबसे पहले उठ गया हूँ और नहा धो के भी रेडी हो गया हूँ और टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं भाई। देखता हूँ सबको, कोई उठाया नहीं, उठा उन्हें उठाता हूँ सबको क्योंकि चलना है वरना लेट हो जाएंगे दोबारा से। गाड़ी भाई ये खड़ी है अपनी नीचे, चलते हैं वरना को देखता हूँ मैं। पहले होटल का भी देख लो भाई, सुबह सुबह भाई देखना कितना तगड़ा लग रहा है। भी लगी है इतने देख लो। अरे सुबह 6 बजे चलने की बोल रहे हैं, 6-8 बज रहे हैं, 8:30 हो रहे हैं। उठ लो भाई, भाई उठाए ना, देख ले अब मैं तैयार होती आया हूँ। है भाई उठ रहा हूँ भाई, भाई उठ जाओ ना भाई, तेरी कसम उठ रहा हूँ पक्का, तेरी कसम भाई। मैं नहा धो के रेडी हो गया यार भाई, प्लीज बंद के सब सो रहे हैं। मैं उठा पहले उठ चुका हूँ और मैं अभी कर रहा हूँ भाई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट आ गया मेरा, ब्रेकफास्ट करता हूँ और भाई आज ठंडा दूध नहीं पीऊँगा, गर्म पी रहा हूँ आज, अभी कर ही रहा हूँ ऑर्डर। इतने सारे रेडी हो जाएंगे भाई, बहुत टाइम लगाते हैं ये, और 6 घंटे की ड्राइव है कम से कम बैंकॉक। वो देखो अब कितना टाइम लगेगा, ये कब उठेंगे कब निकलेंगे, रात हो जाएगी दोबारा यहाँ पर उससे बचते। ये भाई ब्लैकमेल कर रहा है, क्लिप है, क्लिप है भाई, 2 दिन पहले आगे क्लिप दिखा दो ना 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 भाई, है एडिट कर दी पहले, देखो सोए गया भाई, बोल सको हम तैयार हो गए पहले लौट के, बोल सके भाई ये सो रहा भाई। भाई अच्छी बात है कि भाई तड़े 8 बजे के दागा सो रहे हैं हमारा भाई, देख ये लद्दाख लिखवा के ला रहा है बस भाई। अपने मैंने गाड़ी साफ हो गई भाई अपनी, और मैं तो ब्रेकफास्ट कर लीजिए, इनको देखता हूँ ये कर रहे हैं अभी, ये बॉर्नविटा देना था इनको पियेंगे, सबसे लेट ये कर रहे हैं भाई सारे। तो बस बैठे हैं भाई अनिकेत और गौरव के इंतज़ार में, और भाई खुशी हो फिर चल पड़ा खा पी के, पता नहीं कहाँ जा रहा है अब दोबारा। तो बस भाई अभी निकलेंगे पास आदमी ने, आ जा भाई तू लेट करा होगा सबसे ज़्यादा। योर मम किधर है, किधर है, किधर है, लाख रुपए नाम लाख देगा भाई, इतने पैसे दे तो रहे ना तुम, लाख रुपए बात करो भाई, जो तू चैन चुन पहन चैन गढ़ तू पहन राम खाली आता ना लाख रहे, सही बात है भाई, सही बात है, हैं सही बात है भाई, जो चैन पहन रहा है ना कड़े पहन रहा है, घड़ी पहन रहा है, घड़ी भी ना अपने दौरा था भाई, कोई काट ले से और भीतर क्यों दे लिया चैन घड़ी की बात आते आर्टिकल आ रहा है। डीजल डलवा रहे हैं हम यहाँ पर, और यहाँ ले से अब देखेंगे हम पेंगोंग में कितना, मतलब कितने किलोमीटर और कितना पेट्रोल लगेगा, ट्रिप करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे, खुद भी देखेंगे कितना लगेगा। अभी यानी कि अपनी वीडियो बना रहा है भाई, बाहर खड़ा हो गया यार, इसकी कितना आ गया तेल, 8.5 भाई, इसकी टंकी भी छोटी है, इसकी टंकी कितनी है, 60 लीटर है ना, 60-70 लीटर, 60 है 60, और अपनी है भाई 80 लीटर की, इसका ही फर्क है भाई, अपना टैंक बड़ा है, बराबर ही चल रही है फिर भी, एवरेज एवरेज सारी बराबर ही आ रही है भाई, उतना ही पेट्रोल लग रहा है सेम दोनों कारों का, बल्कि तीनों कारों का, उसका 2900 का है कल रात, ये बाबा अपनी देखते हैं, अपने का होगा 3000+, 3000+ होगा, देखते हैं कितना होगा, देखते हैं भाई कितना आएगा। तो बस भाई अपने में डीजल डालते हैं, देखते हैं कितने का आएगा, अभी उतरे हम, और डीजल फुल क्या रेट है यहाँ पे डीजल, 88। तो भाई यहाँ पे 88 है, हमने एक जगह डाला था 84 था, 83 सॉरी। तो अब देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा, तो हमने सोचा 800 कह रहे 3000+ आएगा, अब देखते हैं कितना आएगा, ऊपर तक कर दो भाई 29 का, तो भाई 3000+ ही आया है, हर्ष आ गया भाई 3000 कह रहा था, हर्ष प्लस नहीं तुमने कहा 3000 का आएगा, समझ गया, तो भाई हर्ष आ गया है भाई, आ ही रहा अभी तो मजाक नहीं, 3000+ हो गए, हाँ 3200 भी पार हो जाएगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक लग रहा है पार हो जाएगा 3200 भी, 3300 का होगा, अच्छा दिख रहा है, कह रहा है पहले कह रहा था ना, ना वाले नहीं इतनी सवार के ना भाई, इतना फ्रॉड है अपनी उस बात करने जब करना, देख लो भाई डीजल आया हमारे करेक्ट 3200 होगा, बस भाई फुल हो गया, निकलते हैं यहाँ से नॉन स्टॉप, और आ रहा है नहीं फिर गिर जाएगा इधर तो, नहीं लेके जब गाड़ी
और भाई हर कुछ कर रहा है भाई, अपना ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया पूरा फुल करा दिया इसने कि 3300 आ जाए कैसे कर, फिर भी नहीं आया 3300 का। हाँ वो हिला ले पूरा हिला ले, 3250 का आया भाई ये देख लो। चलो देख क्यों कर गया नीचे, यू क्यों हो रहा है इसमें, देख क्यों कर गया नीचे, यू क्यों आ रहा लगता है, दिख रहा था नहीं बात थोड़ा और आ सकता था इस हफ्ते तक। चलो भाई निकल ही लेते हैं वरना तेल डलवाते ही रह जाएंगे हम। टीएन होगा ना तो भाई इतने टूटे हुए रास्ते हैं ना, मजाक नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ठीक आया था एक घंटे तक, उसके सारे टूटे हुए रास्ते हैं भाई। पर कमेंट करके बताओ भाई, कमेंट करके अगर टीएस कहां से है, एक्टिवा पे है भाई, भाई एक्टिवा पे है वो ही देख लो, मत कर दी भाई एक्टिवा पे तो सही में मत कर दी भाई। और पूरा सामान वन पैक करके पानी पानी पूरी पूछा भाई था है पानी पूरी, ये भाई पता नहीं 52 दिन से पूछ ले, पूछ ले भैया पानी लोगे, पानी आप आए कहाँ से हो, तेलंगाना से, हैदराबाद से सर। ले हैदराबाद से आए हो स्कूटी पे? नहीं नहीं यूट्यूबर नहीं हूँ। नहीं यूट्यूबर नहीं, आप स्कूटी पे आए हो? स्कूटी पे आए हो? हाँ। कितने दिन लग गए? टाइम तो लगे अभी, कितना दिन लग गया अभी? 25 दिन हो गए, मतलब बीच बीच में रुकते हैं और हर एक जगह एक्सप्लोर कर ले रहे हो, हर जगह मतलब। आपको कितने दिन लगभग? श्रीनगर में 5 दिन एक्सप्लोर किया था। और पैंगोंग जा रहे हो? हाँ अभी पैंगोंग, वहाँ से हनले उंगलिंग में पास भी चढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, परसों तो खारदुंगला भी चढ़ा था। अच्छा अच्छा, स्कूटी पे ही? हाँ नुब्रा वैली तुरतुक थांग लास्ट लेगा तो इंडिया। तो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल भाई। हद कर दी भाई, हद ही कर दी भाई, 25 दिन से निकले हुए बता स्कूटी पे भाई तेलंगाना। तो भाई ऐसे कोई भी मिले अगर आप भी ले आ रहे हो तो किसी को पानी चाहिए तो भाई हमारे पास खाने का नहीं था, वरना भाई को खाने का, तो हमारे पास नहीं खाने का, खाने का सही में दूसरी गाड़ी में हमारे पानी था, हमने पानी दे दिया। कोई मिले, आपको भी मिले तो भाई ऐसे पानी नहीं दे दिया करो, क्योंकि किसी को भी नीड हो सकती है, आपको भी हो सकती है, मुझे भी, हमें भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। यहाँ काम बहुत चल रहा है मगर भाई, हर जगह काम प्रगति पे है, बहुत प्रगति पे है, आगे क्या पता, और इतने अभाव इतने क्या पता रूढ़ी बन जाए सारे, मगर हम तो भाई जा रहे हैं बिना रोड, सारे भी रोड नहीं बना। तो भाई अभी वाटर क्रॉसिंग पार करी हमने, अभी तो छोटी मोटी है, क्या पता आगे और आए बड़ी बड़ी आएंगी, तो आगे भाई और बड़ी बड़ी आएंगी, आगे देखेंगे क्या माहौल होगा। मगर शीशे उतार लिया आज हमने, पानी बोतल ले ली है, आप कभी भी आओ तो भाई शीशे उतार के चलना, यहाँ पे एसी मत ऑन करना कभी भी, और पानी की बोतल लेके चलना साथ में, हल्का हल्का पानी सिप सिप करके पीते रहो, क्योंकि वरना सर में दर्द होगा ही होगा भाई, मेरे साथ हो चुका है इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, और होगा ही होगा, अगर आप ये सोच रहे नहीं होगा, होगा ही होगा भाई गारंटी बिल्कुल। और अभी ऊपर जाके देखेंगे भाई कितना और होगा, ले रहे अपना वो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का भी ले लिया हमने, अगर वो नीड पड़ेगी तो मैं जब भी बताऊंगा, वरना आपको लाने की जरूरत नहीं है भाई, क्यों खाऊंगा, लाओ इमरजेंसी के लिए चाहिए भाई, मगर इमरजेंसी के लिए आप रख लो, सबकी वीडियो अलग होती है। हाँ और भाई ये लड़का देख लो इसे, अरे स्माइल कर रहा है, क्या जैकेट पहन लिया तूने, ये अतरंगी बना हुआ है, प्लास्टिक बना हुआ है तो भाई, अरे और देख देख बोल नहीं रहा, मुँह के डिजाइन बना रहा है अलग अलग, जैसे फोटो खींच रहा हूँ मैं, सिस्टम ये अलग है भाई, ठंड लगती है हमें भाई, कोई नहीं देख लेंगे भाई, भाई सलूट कर दो, ना लग रहा भाई पीछे सिस्टम सब ओके, अभी थोड़ी देर क्या होता किसके साथ क्या हो जाए, सबको कैप्चर करेंगे भाई, टाइम आ रहा अभी, आगे आगे भाई जागला जगह ये, यहाँ भी लोग फोटो खिंचवाते हैं, तो हमने खिंचवा ली और आपको दिखा दिया यहाँ का मौसम, मौसम बढ़िया, और बहुत अच्छा मौसम, बहुत बढ़िया, झंडे से लगा रखे हैं, मगर चलते हैं भाई और क्या करें, मोटा उतरता नहीं है भाई गाड़ी से, मैं यार देख लो क्रेन का कितना खतरनाक हो रहा है, पूरी दस रही है, शीशा वीशा टूट गया सब कुछ, इसका देना सब कुछ डैमेज हो रही है, बिल्कुल डैमेज हो रही है, तो पता नहीं क्या, और भाई रोड देख लो कितने खतरनाक, बहुत दुखी हो गए भाई, बहुत ज़्यादा फिलहाल भाई, हम रुके हैं यहाँ पर एक बार बीच में, बहुत देर रुक थी, 2:30 बज गए हैं चलते चलते, और भाई ये व्यू है यहाँ के देखो, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ से फोटो खिंचवा रहे हैं बाद करते करते, कितना बढ़िया लग रहा है, अभी हम बत्तख देख रही थी, पता नहीं कहाँ गई, वाह भाई ये बड़ा मजा है।
भाई इतने खराब रास्ते है पेंगोंग के, तो ये मान लो अंत बिल्कुल है, बिल्कुल डेड है ये मान लो। गाड़ी का हाल देख लो क्या हो रहा है, अंत खाल हो रहा है भाई बिल्कुल ही। भाई फॉर्चुनर आ गया, क्या लगा रखा है फॉर्चुनर पे, क्या भाई है? ये बाइक वाला गिर गया था, इसकी बाइक नहीं निकल रही थी। गिर गया था सही में, उसने उठाया लाके। ओहो फंस गई बाइक, फंस गई फंस गई फंस गई फंस गई। तो भाई ये देख लो फॉर्चुनर पे क्या लगा रखा है, एक तो ये देखना। अरे हेलो कर रहे अंकल। तो भाई रोड देख लो क्या हाल है रोड का, देखना बिल्कुल दुखी हो गए हैं भाई, मजाक नहीं। 200 किलोमीटर खराब है। हाँ 200 किलोमीटर है तो 180 किलोमीटर सही में खराब है भाई, थोड़ा खराब नहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये मान लो भाई, एक तो इस बाइक वाले को देख लो क्या कर रहा है, देखना अब बैठ गया भाई। ये कितना किलोमीटर था टोटली बता दे एक बार, पहले 200 कुछ था भाई, अपनी मिट्टी आ जाएगी अंदर। तो भाई 200 किलोमीटर कुछ था, 235 पता नहीं 225, उसमें से मान लो 180-190 सारा खराब है रास्ता, इतना डेड है बिल्कुल बिल्कुल डेड। गाड़ी 20 भी मुश्किल से चल रही है भाई, और मिट्टी देख लो गाड़ी में, और शीशे नहीं खोले तो वैसे ऑक्सीजन की दिक्कत होगी भाई, शीशे भी खोलने जरूरी है। पूरी गाड़ी अंदर से मिट्टी से ढक गई है भाई, ये देख लो कितनी कितनी मिट्टी, देखना मिट्टी होगी भाई, सुबह साफ करनी पड़ेगी गाड़ी, देखना अंत हो गया भाई। हाँ चलो भाई कल दोबारा साफ करनी पड़ेगी गाड़ी अंदर से हवा वाली। ये क्या हो गया, थार कहाँ गई, आगे इससे आगे, ये बैक क्यों कर रहे हैं फिर, थार भी बैक आ रही है। थोड़ा सा रह गया, कितना रह गया, कितना रह गया, और हम पास आ गए, वही चीज का जाम, तो ना पहुंचने देना चाहते हैं भाई। पेंगोंग लेक सूख गए लग रहा है मुझे, मजाक नहीं है देख लो, कुछ आ ही नहीं रहा, 5 मिनट दिखा रहा है और हम वेट कर रहे हैं भाई, कैसे कैसे रास्ते हैं भाई। रास्ते देख लो भाई, तो भाई फाइनली अपनी लेक आ गई है भाई, बहुत टाइम बाद भरी मिल गई, लग रहा था मैं सूख गई है मगर मिल गई है, मजाक नहीं। और बाकी आसपास बिल्कुल पास जाके जब आपको दिखाऊंगा और खुद भी देखूंगा भाई, मैंने भी देखी है भाई साहब, कुछ वहां से दिखाई नजारे भाई, बड़ा मजाक। और बाकी आगे जाके जहाँ गाड़ी नीचे उतरेगी वहाँ देखेंगे, वहाँ आपको दिखाऊंगा ये बाइक वाले चल रहे हैं आगे, देखना हम गाड़ी ले जाने की सोच रहे नीचे, ऑफ रोडिंग कर ली हमने पूरी, एक गाड़ी भी नहीं रह गई है भाई पीछे, देखते हैं रास्ते देख लो कैसे एक बार। और लेक तो भाई आर पार ही नजारे हैं, आर पार एक नंबर, तो भाई हम पहुंच गए यार भाई, एक गाड़ी अपनी मिसिंग है, दो तो पहुंच गए हम और बिल्कुल पास, बैक कैमरे से दिखानी पड़ेगी मेरे ख्याल से। लो भाई ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ, लो भाई ये देखो, हालत वैसी होगी दोबारा से गाड़ी की जैसी थी। चलो कोई नहीं, मगर भाई भाई वैसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, मजाक नहीं, यहाँ कोई भी दिक्कत ना है, यहाँ पता रात को बेशक रास्ते में ये सच्चाई है, रात को हो जाती है। अच्छा रात को हो जाती होगी भाई, पानी और पार कुछ बेराना पार्ट रहा ईशा आगे ऊपर नीचे आसपास ये सेम है, ऊपर भी नीचे भी आसमान की रिफ्लेक्शन आ जाना। हाँ भाई वसूल हो गए, मजाक नहीं, इधर आना इतना दूर आना भी खींच लिया, और दूसरी गाड़ी अभी तक नहीं आई, उनका इंतजार कर रहे थे हम, मगर वो अभी तक आई नहीं है, और निकलते हैं भाई यहाँ से। और अर्शी बैठा हुआ है ड्राइव में, तो यहाँ से निकलते हैं भाई और से मिलते हैं, और बहुत बढ़िया व्यू था भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया बिल्कुल।
अब लग रहा है लद्दाख आए भाई। ये यहाँ से हमें इन क्योंकि सिग्नल नहीं था ना इसलिए। हाँ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हैं तुम कितना आ गए? तुम भी आए थे के? मारा गया भाई। आ जाओ भाई तुम भी आ रहे थे के? हमने दो चार दिन हो गए भाई आए। तो भाई स्कोर को देख लो क्या कर रहा है लड़के। चलो भाई अब तो घूम रहे, अब चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। और भाई ये यहाँ पे लगे हुए बहुत सारे स्कूटर 3D वाले, अरे सारे में लगे हुए। तो बस भाई हम निकल गए। और भाई एक चीज़ और बताई मैंने, जैसे मैप पे आप अगर लद्दाख से पैंगोंग तक आओगे तो ले से तो मतलब कि आपको मैप दिखाएगा 221 किलोमीटर, मगर ये देख लो हमने जब ट्रिप करा था मैंने बताया था आपको तो 147 मतलब 148 ही मान लो। मैप मतलब गलत बताता है भाई आधा, तो मतलब और आगे ले जा रहा था ये। वहाँ पे 2 घंटे बता रहा था और वहाँ पे 1 घंटे पहुँच गए थे। बस भाई अब निकल गए होटल के लिए, लद्दाख जा रहे हैं अब दोबारा से। भाई बस हम पहुंच गए भाई होटल। और भाई एक सीन हो गया हमारे साथ, ये देख लो भाई मीटर में आ गया लाइट, ये DPF फुल हो गई है भाई, इसको कल क्लियर कराएंगे। हाँ भाई ठीक है आ जाओ होटल ले ले यार। तो भाई लो उधर के देखते हैं भाई, बाकी उधर के बताता हूँ आपको। तो भाई बस हम पहुंच गए भाई होटल और भाई गाड़ी का हाल हो गया ये, और ऊपर से लाइट आ गई है गाड़ी में, DPF है भाई वो फुल हो गया DPF, उसको कल क्लियर कराना होता है। और भाई सबसे पहले पहुंचे हम, सबसे पहले पहुंच गए हैं भाई 5:30 कितने घंटे का रास्ता था भाई, सबसे पहले पहुंचे हैं। ये देख लो दूसरी गाड़ी आ गई अपनी, ये भाई थोड़ा सा चीज चल रहे थे मगर ये हैंग हो गए, हम पहले पहुंच गए इनसे। लो भाई बस भाई हम आ गए भाई होटल, और भाई कल गाड़ी को चेक करेंगे सुबह, क्योंकि वो साइन आ गया DPF का, क्या फुल हो रहा है क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा, तो कल इसको लिखवा भी लेंगे। और ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड, अगर ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।